नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूअर्स को नमस्ते। यहाँ मैं आपके लिए लाता हूँ भूत प्रेत आत्माओं जिन चुड़ैल जैसी काली शक्तियों की सच्ची और डरावनी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की कहानी भेजी है हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ज्योति जी ने। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ये कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है पांच भाई बहनों की गर्मियों की छुट्टियों से। तो कहानी है मेरी ही फेवरेट जगह उत्तर प्रदेश के एक गांव से। इसमें जो पांच भाई बहन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से दो एक माता पिता के हैं, दो एक माता पिता के हैं और एक लड़का जो है वो अलग एक माता पिता का है। मतलब ये तीन चाचा ताऊओं की संतान है जो एक साथ हर साल गर्मियों में गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव जाया करते हैं। लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टियों में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो ये कभी नहीं भूल पाएंगे। और क्योंकि घटना इतनी खौफनाक थी, इतनी दर्दनाक थी कि ये ना तो उसे कभी भुला पाएंगे और जो सीख इन्हें मिली उस कहानी से वो हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए इस कहानी को आपके साथ अब शेयर करना शुरू करते हैं। तो कहानी है पांच भाई बहनों की, जैसे मैंने आपको बता दिया, जिया, पूजा, मोहित, शशि और सुमित। नाम सबके बदल दिए गए हैं क्योंकि ज्योति जी ने बोल दिया था कि रियल नाम तो किसी का भी इस्तेमाल मत करना, तो नहीं कर रहे हैं। जो इसमें जिया और पूजा है, ये एक माता पिता की संतान है और ये गुजरात में रहते हैं, जिसमें से कि पूजा बड़ी बहन है, मोहित दिल्ली में रहता है और शशि और सुमित गांव में ही रहते हैं, जिनके पास ये बाकी तीनों बच्चे हर साल मिलने जाते हैं। मतलब पूरा परिवार जाता है वहां पर। तो आप जानते हैं, गर्मियों की छुट्टियां हों और बच्चे पूरे गांव में सैर ना लगाएं, हुड़दंग ना लगाएं, तो क्या गर्मियों की छुट्टियां मनाई गई फिर। तो इस बार इसी हुड़दंग के चलते एक आफत इनके गले पड़ गई और ये इस वाक्य को कभी नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं एक दिन की सुबह से, शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। आज सुबह सही सारे के सारे भाई बहन अपने इकट्ठे होकर बात करें कि आज कहाँ घूमने चलेंगे। तो सुमित बोलता है कि दीदी, आज फिर से बगिया चलते हैं घूमने के लिए। तो वहीं जिया बोलते कि बगिया तो हर बार ही जाते हैं, कोई नई जगह हो तो बता जहाँ पे घूमने में कुछ मज़ा आए। भाई बाग तो कभी भी चले जाएंगे, बाग का क्या है, अपना अपने ही तो बाग हैं। तो शशि बोलती है, दीदी बताओ फिर आपको कहाँ जाना है। तो बोलो कोई ऐसी जगह चलते हैं ना, मतलब जहाँ आज तक हमने देखी ना हो। जब ही मोहित बताता है कि दीदी एक जगह तो है लेकिन वहाँ ना जाने के लिए मम्मी पापा मना करते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ले भी चलूँगा। तो बोलो बता ऐसी कौन सी जगह है। बोलो वो अपनी बगिया के उस तरफ ना एक तालाब है और तालाब से साइड होते हुए एक रास्ता है जो दूसरी बगिया शुरू होती है, पता नहीं किसी और की है, वो उधर नहीं जाने देते हम लोगों को कभी भी, और हम लोग आज तक गए भी नहीं है क्योंकि वो दूसरे गांव की सीमा लग जाती है। तो आप कहो तो उधर चल सकते हैं। लेकिन दीदी वहां बताते हैं कि उस तालाब के आसपास ना एक चुड़ैल घूमती है। तो जब ही पूजा जो है इनमें सबसे बड़ी जो बहन है वो बोलती है कि अरे ये चुड़ैल पुड़ैल तो रात वात को घूमती होगी ना, दिन में होके आ जाएंगे हम लोग, क्या ही दिक्कत है। तो जब ही शशि बताती है, जो सबसे छोटी बहन है इनमें, कि दीदी बताते हैं कि वो दोपहर को भी घूमती है वहाँ पे और दोपहर को ही सबको दिखाई दिए आज तक, और ना वहाँ कोई नहीं जाता, बच्चे तो छोड़ो वहाँ बड़े भी नहीं जाते हैं। अब ऐसी बात हो और बच्चों के मन में ये ना आए कि यार अब तो वहाँ जाके देखना ही देखना है, ये सबके साथ है। मतलब आप बच्चों को जिस काम के लिए मना करोगे ना, वो काम तो वो अधबद के करते हैं। तो ऐसे ही होता है, आज सबका प्रोग्राम बन जाता है, बोला कुछ भी हो जाए आज वो जगह जरूर देखनी है जहाँ के लिए सब मना करते हैं। अब बच्चों को कौन बताए कि जहाँ के लिए सब लोग, इतने सारे लोग, घर के बड़े मना करते हों, वहाँ नहीं ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चल देते हैं। जाते आते इनकी चाची पूछती है, हाँ भाई कहाँ चली मंडली आज सुबह सुबह। तो बोलो आज बस वो बगिया वगिया घूमेंगे और शाम तक अपना आ जाएंगे।
तो बगिया के नाम से एक बार को चाची बोलती है, बोला बेटा याद है ना कि बगिया के उस तरफ नहीं जाना है, वो दूसरी वाली जो बगिया है पड़ोसी वाली, वहां मत जाना भूल के भी। तो आप जानते हैं कि बच्चे झांसा देने में कितना तेज होते हैं। बोला हाँ हाँ हम नहीं जाएंगे, आप टेंशन मत लो। और ये लोग निकल चलते हैं उसी बगिया की तरफ, बगिया मतलब बाग को बगिया बोलते हैं इनके यहाँ पर, तो निकल पड़ते हैं। अब ये लोग जैसे ही अपने बाग पहुँचे, बाग में थोड़ा बहुत घूमे, तो जिया और पूजा बोलती हैं कि चलो ना अब उस तरफ, वो दूसरी वाली बगिया में भी चलते हैं। तो सुमित एक बार को बोलता है कि दीदी रहने ही दो ना वहाँ पे, जब सब मना करते हैं तो क्या ही फ़ायदा है। तो जब ही जिया बोलती है अगर तेरे को नहीं जाना था तो वहीं मना करता ना, हमारे यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया लाके, और मैं तो इस प्लानिंग के साथ आई हूँ कि आज अगर चुड़ैल होती है ना तो आज उसे अपने मोबाइल पे शूट करना है और सबको दिखाऊंगी घर जाके कि ये देखो ये रही वो चुड़ैल जिसके बारे में तुम बात करते हो, और अगर नहीं है ना तब भी इस मोबाइल में आ तो जाएगा कि ऐसा कुछ है नहीं, तो चल जा ड्रामा मत कर और चल अब बहुत हो गया तेरा। अब जो जिया है वो तो सुमित के साथ की है, लेकिन जो पूजा दीदी है ना वो बड़ी है इनमें सबसे बड़ी जो है, तो जब वो बोलती है कि अरे सुमित कुछ नहीं होता तो चल मैं हूं तो तुम लोगों के साथ, डरने वाली क्या बात है चलो। तो बहुत कहने सुनने के बाद ये सुमित बोला हाँ चलो उस तरफ है रास्ता और चलो पीछे चल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जो वहां का नज़ारा वो कैसा है कि इनके बगिया के बाद एक पड़ता है तालाब, छोटा सा तालाब है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड से एक रास्ता जा रहा है जो दूसरे गांव की सीमा में लगता है, और जो बाग जिस गांव में लोग जिस बाग में लोग घूमने आए हैं वो बाग भी दूसरे गांव का ही है। अब यहां पर कोई ऐसी घटना कभी ना कभी हुई तो होगी जिसलिए गांव वाले इतना सब मना करते हैं, इनके घर वाले मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप जानते हैं बच्चे कहाँ किसी की बात मानते हैं। अब ये लोग उधर चलने लगते हैं, जिया के हाथ में उसका मोबाइल, उस सेल्फी स्टिक में मोबाइल लगा रखा है, कभी अपनी तरफ कैमरा करके रिकॉर्ड करती है, कभी पीछे की तरफ करके रिकॉर्ड करती है। और चलते 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 एकदम से जैसे होता ना आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आश्चर्य के साथ देखो और एकदम से बोलो कि अरे अरे देखो ये दिख गई, तो एकदम सब डर जाते हैं, बोले क्या दिख गई कहाँ है कहाँ है। तो बोला मैंने तो मजाक किया। जब ही पूजा उसके पीछे से एक मारती है, बोला पागल ऐसा मजाक मत कर, ये चुड़ैल पुड़ैल वाला मजाक नहीं होता, ना दिखे ना तो नहीं बोलना चाहिए कि दिख रही है, सही में दिख जाएगी फिर तेरे को। और जो पीछे शशि थी जो सबसे छोटी वाली बहन है, उसको तो एकदम हाथ पैर फूल गए थे जैसे ही बोला अरे देखो दिख गई। तो ये बात सुनने के बाद एकदम से शशि बोलती है कि दीदी देखो हम तो नहीं चल रहे हैं दीदी, और एक काम करो वापस चलो, ये गलत आ गए हम लोग यहाँ पे, मम्मी मना करती है यहाँ आने के लिए, मैंने उनके चेहरे पर डर देखा जब वो यहाँ की बात करती हैं। तो ये लोग फिर भी चले जा रहे हैं बात करते करते आगे चल रहे हैं। और अब दोबारा से ये जिया बोलती है कि देखो वो मुझे अपने कैमरे में दिखी, मतलब उसका ध्यान कैमरे में था, सामने रास्ते पे नहीं था, कैमरे में देखते देखते पूरे रास्ते को शूट करते हुए चल रही है, बोलो देखो ये दिखी। अब की बार इसकी बात तो कभी विश्वास नहीं करता, ये तो ऐसी ही मजाक कर रही है बार बार। और फिर बोलती है बोलो पूजा दीदी दीदी देखो ये देखो दिख रही है वहां बैठी हुई एक औरत लाल कलर के कपड़ों में बैठी है, लेकिन वो चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं लग रही है। तो जैसा कि इस बार जिया ने बिना डराए हुए बोला कि देखो वो कोई औरत दिख रही है और वो लग तो नहीं है कि चुड़ैल पुड़ैल है। तो पूजा और बाकी सब लोग एकदम बोलते हैं कि तुझे कहाँ कोई बार बार दिख रहा है और हमें तो दिख नहीं रहा है, तू बता ये दिख रहा है, देखो कब तक अपनी बहन पे विश्वास ना करें। तो बोले नहीं दीदी देखो वो सामने वाले पेड़ के नीचे बैठी है। तो बोला भाई हमें तो दिख नहीं रही है, एक काम कर तुझे ज़्यादा वो लग रहा है ना तो एक काम कर तो उसके साथ खड़ी होके मतलब उसके पास जाके हमें बता कि ये दिख रही। तो वो जाती है, बोले एक काम करो आपने मेरा मोबाइल पकड़ो मैं दिखाती हूँ आपको, और उसको मोबाइल पकड़ा के वो उस तरफ चली जाती है। पेड़ थोड़ा सा दूर होता है, लगभग होगा 100-150 मीटर के आसपास, और उस पेड़ के पास जाके वो बोलती है देखो दीदी ये ऊपर बैठी। तो उस पेड़ के पास जाके बोलती है देखो दीदी ये लटक रही। तो बोला अभी तो बोली थी बैठी है नीचे बैठी है, और वो ऊपर लटका दिया तूने उसको, ये फिल्मी कहानियां मत बना और इधर आ जा। फिर जब ये एक ही सेकंड के बाद बोलने लगती है देखो दीदी ये नीचे आ गई, ये नीचे बैठी है, अब दिख तो रही है तुम्हें, अब भी नहीं दिख रही क्या तुम्हें। तो वो उससे बात करने लगती है कौन हो तुम, यहाँ कभी ऊपर चढ़ जाती हो कभी नीचे आ जा रही हो, कौन हो तुम। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर उसे दिख भी रही है और कोई अगर ऊपर था और एकदम से नीचे आ गया तो इंसान तो इतनी जल्दी ऐसा करेगा नहीं। वो उससे बात बात करने लग जाती है जब तक ये लोग उसके पास उधर जाते हैं, और वो किसी से बात कर रही है और बाकी सबको ऐसा लग रहा है कि उन्हें डरा रही है किसी से और से बात करके। तो जब ही पूजा और बाकी सब लोग बोलते हैं ऐसा तेरा बहुत हो गया अब चला जा,
और वो फिर भी खड़े होकर उसी से बात करी जा रही है और बात करते करते रोने लग गई। तो जब रोने लगी तो वो ऐसा लग रहा है कि मतलब पूजा बोलती है कि देख तेरा बहुत ज़्यादा हो गया, ये रोना वोना मत दिखा, हमें पता है तू ड्रामा कर रही है। और उसे पकड़ के खींच के अपनी तरफ बोले चल चल अब बहुत हो गया, यहाँ नहीं रुक रहे, अब बहुत हो गया, चलो बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा। और सब लोग अपने घर की तरफ वापस चलने लगते हैं और जिया बार बार मुड़ मुड़ के मतलब उसी तरफ मुड़ के देखे जा रही है जिस तरफ वो बोल रही थी कि पेड़ पर ऊपर उसने कोई देखा और उस पेड़ के नीचे किसी को देखा उसने। तो शशि चलते चलते बात कर रही है जिया से वो दीदी कि कौन दिखा आपको। अब बता रहा हूँ ना कि शशि के दिल में तो डर बैठ गया था बुरी तरीके से। जब वो बोली कि ऊपर देखी नीचे देखी और वो उससे वहाँ बात करते हुए उसने उसको देखा तो बाकी तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन शशि को विश्वास था कि इसने सच में किसी न किसी को देखा है। और जैसी शशि पूछती है तो वो रोने लग जाती है, बोले नहीं वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे बोल रही है, वो बार बार मुझे अपने पास बुला रही है। और उसे ऐसा लग रहा है पीछे से कोई उसको बहुत तेज से डरा रहा है और जिस तरफ उसकी बार बार उधर ही मुड़ के देखे जा रही है वो। ये शशि बोलती है पूजा दीदी से, दीदी देखो शायद ये दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और ये शायद इन्होंने सच में कुछ देख लिया उधर। तो पूजा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ एक नंबर के ड्रामेबाज है, इधर मुँह कर तू चल और आगे आगे चल। हमारे सबसे आगे है अपना सुमित, सुमित के पीछे है ये जिया और बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे। तो आगे चलते 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 देख रहे हैं सब लोग कि इसकी गर्दन बार बार या तो पीछे मुड़ जाती है या ये गर्दन ऊपर की तरफ देखने लग जाती है और ऊपर इतनी तेज से गर्दन करती है अपनी, तेज मतलब इतनी ज़्यादा ऊपर गर्दन करती है अपनी कि आप करके देखो एक बार कि आप ऊपर गर्दन करते जाओ और जब तक ऊपर गर्दन करते ही रहो जब तक आपकी गर्दन में दर्द ना होने लगे। और कभी उसी गर्दन को इतना ही नीचे करती है कि फिर से दर्द होने लगे आपको। तो चलते चलते सब लोग देख तो रही हैं इसको, लेकिन सब सोच रहे हैं कि ये ऐसे ड्रामा कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है, आज ये सोच के आई होगी डराने के लिए। और चलते चलते ये बगल वाले खेत में उतर जाती है। अब जानते हैं ना खेतों के बीच में चलने के लिए पगडंडी होती है, इस पे चलते हैं सब लोग। तो ये बगल में उतर जाती है। जब ही सुमित कहता है कि दीदी कहाँ उतर गई, ये बीच में चलो यहाँ लग लगा जाएगी तुम्हारे, तो ये वही रोते रोते से हल्के से ना रोने वाला ही उसका नेचर हो रखा है, भी मतलब रोने वाला मुंह बना हुआ है। और वो रोते रोते से ही बोलती है कि मुझे तो ये जो पगडंडी है ये लेफ्ट साइड को ले जा रही है। आवाज़ थोड़ी सी उसकी बदली, पूजा उसे खींच के ऊपर चढ़ा लेती है, बोलो ऊपर चल ड्रामे मत कर। फिर चलते चलते ये राइट को कूद पड़ती है, बोलो आप क्या राइट को ले जा रही है, बोला हाँ। फिर चलने लगती है आगे, इसे फिर ऊपर चढ़ा लेते हैं। अब चढ़ाते चढ़ाते फिर चलते चलते बोलती है मुझे लग रहा है कि ये रास्ता ऊपर आसमान में जा रहा है, और वही गर्दन ऊपर वही गर्दन नीचे, फिर से बीच बीच में रोना और पीछे मुड़ के देखना। आप इमेजिन करो जिन लोगों के सामने कर रही होगी उन्हें कैसा लग रहा होगा। और पूरे रास्ते ही ये ऐसे करती हुई आई। अब इन लोगों की स्पीड थोड़ी सी तेज हो गई है और सबको थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगा है कि नहीं यार ये जिया ऐसी लड़की तो नहीं है कि इतना तो नहीं करेगी, मजाक वजाक चलता है लेकिन इतना मजाक नहीं करेगी। घर आते ही सारे बच्चे वापस घर में उछल कूद मचाने लग जाते हैं और ये जो जिया है ये कमरे में जाके अंदर चुपचाप से बैठ जाती है और ऐसे बैठ जाती है कोने में जैसे डरी हुई हो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। तो चाची जैसे सबकी इनकी खाना बना रही थी, मतलब इसकी सुमित की और शशि की मम्मी खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए सबको आवाज़ देती हैं बच्चों को कि एक काम करो बच्चों चलो आ जाओ हाथ मुँह धोओ और खाना खा लो। सारे बच्चे आ जाते हैं और खाट वाट पर बैठ के अपना हाथ मुँह धो के बैठ जाते हैं, लेकिन जिया नहीं आती है। तो जिनकी चाची है वो आवाज़ लगाती है अपनी जो जेठानी है उनको, कह रहे दीदी ये देखो जिया कहाँ है, जिया को ढूंढ के लाओ और ये भी वो खाना खा लेगी। तो इसकी जिया की मम्मी अंदर देखने के लिए जाती हैं कि कमरों में ऐसा ना बच्चे कहीं बोले छुप गई हो, कहीं खेल रहे हो बच्चे आपस में। तो एक कमरे में जाकर देखती हैं और जिया एकदम कोने में बेड पर बैठी हुई है अपने पैर समेटे हुए और बिल्कुल ऐसे बैठी है कोई डर के उसे कोई बाहर से आके देख ना ले। और जैसे उसकी मम्मी अंदर से बाहर से आवाज़ लगा दे जिया बेटी क्या कर रही है यहाँ पे, और जिया बहुत तेज से घबरा जाती है और रोने लगती है, सिसक सिसक के रोती है एकदम। तो उसकी मम्मी जाके उसको एकदम गले से लगा लेती, बोले बेटा क्या हो गया, डर गई क्या कुछ देख के, चल बाहर चल बाहर चल। अब वो उसे बाहर जब लेके आ रही हैं तो देख रही है कि जिया जो है वो वही कर रही है अपनी गर्दन ऊपर नीचे और रो रही है, ये सब करते हुए रो रही है कि जैसे उसके शरीर में कुछ कष्ट हो रहा हो, बहुत
भयंकर कष्ट, और वो बस रोए जा रही है। तो इतने ही इसकी जो मम्मी है जिया की, वो सारे बच्चों को डांटती है, ए बच्चों तुमने किसी ने परेशान किया इस जिया को? तो सब बोलते नहीं, हमने तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जब से वहां से आई है ना, वो बाग में हम घूमने के लिए गए थे, जब से ही ऐसा ड्रामा कर रही है, और ये पहले तो हम तक ही सीमित था, भाई आपको भी डराने की कोशिश कर रही है। तो जैसा बच्चे बताते हैं तो इनको भी विश्वास हो जाता, बोला हाँ हाँ ये ऐसी बच्चे डरा रही होगी। लेकिन जो उसकी मम्मी है, इसके रोने से पहचान गए कि नहीं, मेरी बेटी ऐसे नहीं रोती, अगर ये डरी है पक्का किसी चीज़ को देख के। तो बोलते बोलो बेटा तुमने कुछ वहाँ कुछ गलत तो नहीं देख लिया? तो बोला नहीं, यही कह रही थी कि मैंने वहाँ पर कोई लाल कलर के कपड़ों में औरत देखी है, कभी बोली मैंने पेड़ पर लटकती हुई देखी है, और कभी बोली कि मैंने पेड़ के नीचे बैठी हुई देखी है, और जब से ये कभी कर रही है, कभी गर्दन ऊपर कर रही है, कभी नीचे कर रही है, उसने दुखी कर लिया हम लोगों को। तो अब इसकी मम्मी इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है और बोलो बेटा एक काम कर, तू खाना खा बैठ के, मैं खाना खिलाती हूँ तेरे को बिठा के। अरे काम कर, हाथ में तो हाथ पैर धोया जा नल के पास। कि नल के पास हाथ पैर धोने के लिए बिल्कुल मना कर दे, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगी नल के पास। तो किसी काम के लिए इसकी चाची आती है, कोई थाली वाली बर्तन वर्तन धोने के लिए, होता ना खाना बनाते बनाते कुछ ऐसा होता कि बर्तन धो लें दोबारा से, तो बर्तन धोने के लिए जाती हैं नल के पास, तो अपनी चाची को, चाची चाची वहां मत जाओ, वो तुम्हें पकड़ लेगी। तो बोले बेटा कौन पकड़ लेगी? बोले नल के पास देखो, वो नीचे बैठी है पेड़ के नीचे। अब जब ये सुनते हैं तो उसकी चाची एक बार को तो बोलते हैं ना, पीछे मुड़ के देखती है कि यहाँ कौन बैठा तो नहीं है सच में कोई, देव जो इसे दिख रहा हो। बोला नहीं बेटा कुछ कोई तो नहीं है। इसकी चाची तुरंत इसके पास आती है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पहले भी कभी ऐसा देख रखा हो। तो बोला बेटा बता कौन दिख रहा है तुझे? बोला चाची वो लाल कपड़ों में एक औरत है, दुल्हन के कपड़े पहने हुए हैं उसने, और वो बहुत बुरी तरीके से हंस रही है मुझे देख देख के, और वो मुझे अपने पास बुला रही है। चाची मैं नहीं जाऊंगी, वो बहुत बहुत भयंकर है चाची, वो बहुत बेकार है चाची। अब इसकी चाची समझ जाती है और वो एकदम से बच्चों को डांट लगाती है, बोला बच्चों तुम माने नहीं ना, तुम वो बाग के उस तरफ वाले बाग में गए थे शायद। तो बड़ी मुश्किल से ये सुमित बताता है कि हाँ उधर गए थे, पूजा दीदी बोल रही थी कि मैं हूं तो तुम्हारे साथ, डरने वाली क्या बात है, तो हम चले भी गए, और हमें तो वहां को दिखा भी नहीं, इसे दिखाई बता रही है बस, और दिखावे का कुछ नहीं है, वैसे झूठ बोल रही है। तो इसकी चाची और इसकी मम्मी घर में आवाज लगाते हैं अपने पापा को, चाचा को, मतलब अपने हस्बैंड्स को आवाज लगाती हैं कि सुनते हो, जरा सुनो, ये देखो क्या इसको, जिया को क्या हो रखा है यहाँ पर। तो सब लोग आते हैं तो ये अपने हस्बैंड को बताती है इसकी चाची कि ऐसा एक काम करो, तुम ये जो ये मंदिर वाले बाबा जो बैठे हैं ना, इनको बुला लाओ जरा, ये ऐसी अभी झाड़ फूक सा कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, ये सब तो बहुत नॉर्मल है, सबको बच्चा देख लेता है तो घबरा जाता ही है। वहीं इसकी मम्मी जो है जिया की बहुत घबराई, बोले दीदी घबराओ मत, गाँव वाँव में तो बहुत ही आम बात है, बच्ची ने कुछ देख लिया लग रहा है इसलिए डर गई है, वो बाबा आते के सारे इसको झाड़ देंगे और कुछ नहीं होगा। उस बाबा को बुलाया जाता है, बाबा आते हैं, और ये बाबा बिल्कुल नॉर्मल बाबा हैं, पुजारी बाबा गाँव के जो होते हैं, अपने आके बभूत बहुत से लगाते हैं सर पे, और बस कुछ मंत्र वंत्र सा हल्का बहुत पढ़ पढ़ा के इसका झाड़ा सा लगा देते हैं इसको। बोलो कुछ नहीं है, बच्चे ने कुछ देख लिया होगा, ये सब ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, आज ये ठीक हो जाएगी। और सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं, और थोड़ी देर तक तो शायद इसको लड़की को आराम पड़ भी जाता है। अब सारे जो लोग हैं वो रिलैक्स कर लेते हैं एकदम के हाँ चलो ये तो बहुत आम सी बात है, हो गया बच्चे के साथ, अब सब ठीक है। अब एक डेढ़ घंटे बाद ये पूजा और शशि, पूजा बोलती है शशि से कि बहन मेरे को तो टॉयलेट जाना है, और तू चलेगी क्या मेरे साथ? अब जानते हैं बच्चे कचर पचर खाते रहते हैं और इधर उधर, तो पूजा अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी जरा हम टॉयलेट चले जाएं। तो बोले बेटा एक काम कर, शशि और तू चले जाओ, और जा दूर मत जाना, और जंगल के जरा अंदर तक मत जाना, और बाहर बाहर से ही आ जाना बस, इस टाइम तो वैसे भी कोई जाता नहीं है, जल्दी आ जाना बस। तो बोलो हाँ ठीक है हम आ जाएंगे। अब ये लोग अपने हाथ में टॉर्च लेकर और चल देते हैं, शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 6-7 बजे का टाइम हो गया है। लोग अपने बोलते ना खेत में काम वाम पे से वापस आ ही चुके हैं लगभग, और ये लोग चल दिए उस तरफ। अब जैसे कि इसकी मम्मी ने बोला था कि जरा जंगल के अंदर की तरफ मत जाना, तो ये बहुत आगे तक नहीं गए, और पूजा चली जाती है अपना टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए। और अब जब ये वहाँ से वापस आ रही होती है तो तभी किसी की तरफ देख के ना एकदम जैसे होता ना कि चलते चलते किसी की तरफ देखने लग जाए, ऐसे देखने लगती है। तो शशि बोलती है दीदी वहाँ क्या देख रही हो? तो बोला यार ये
कि किसी की लग रहा है दुल्हन बैठी है, किसी की बहू बैठी है यहाँ पे, और लग रहा है नई नई शादी हुई है, तो इसको भी होता है टॉयलेट वॉलेट लग गया हो तो आ गई हो। तो जब ही एकदम से शशि बोलती, दीदी कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखी। बोला, अरे वो पेड़ के पीछे बैठी है, देख उस तरफ आके देख। और शशि उस दिखाने ले, बोले ऐसा है, ये तुम्हें लग रहा होगा कि जिया को जैसे दिख रही थी वैसे मुझे भी दिख रही है, ये तो रियल में कोई है, कोई बहू है, तो कोई गांव की बहू होगी, नई नवेली शादी होके आई है। तो जब ये पेड़ के पीछे की तरफ जाते तो वहाँ कोई नहीं होता। तो शशि बोलती है, दीदी तुमने किसको देखा था यहाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। बोला, नहीं बिल्कुल नई नवेली दुल्हन पूरे श्रृंगार करके थी। तो शशि एकदम से बोलती है कि लग रहा है दीदी तुमने भी उसी को देख लिया। बोले, किसको? बोले, लग रहा है तुमने भी वही वो बगिया वाली चुड़ैल यहाँ देख ली। अब ये सुनते के साथ, या फिर हो सकता है इसने सच में देखा था, या आई कॉन्टेक्ट हुआ, या क्या हुआ, पूजा खड़े खड़े कांपने लगी। और बोलते ना, एक सेकंड में बुखार आ जाना, इसका शरीर बहुत बुरी तरीके से तपने लग जाता है, अरे उल जलूल बकने लग गई है। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने किसी को नहीं देखा, ऐसे करते हुए और इसे घर ले आती है जल्दी जल्दी जल्दी। बोले, बड़े बड़े कदम रख के इसको ले आते हैं घर की तरफ। और पूजा भी क्या कर रही है, बार 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 वापस मुड़ मुड़ के उस पेड़ की तरफ देख रही है। और पूजा को सच में वो दिख रही थी, वो औरत जो बैठी हुई थी वो खड़ी हो गई है, और खड़ी होके इसको अपनी तरफ बुला रही है, जैसे बोलता ना कि इधर आओ मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ। और ये अपने घर की तरफ चले आ रहे हैं। घर आके तुरंत इसकी मम्मी को और अपनी मम्मी को बताती है ये शशि कि इधर आओ, ये देखो ये पूजा दीदी क्या करने लग रही है। हाथ लगाते हैं माथे पे इसके, तो बहुत तेज तप रही है, बुखार आ रहा है। अब बोले, क्या हुआ, क्या हो गया अचानक से बुखार, अभी तो ठीक गई थी एकदम से। बोले, वहाँ बता रही थी कि किसी साइड में एक पेड़ के पीछे एक औरत बैठी है, नई नवेली दुल्हन, लाल कलर के कपड़े, फुल श्रृंगार के साथ, और मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और ये रास्ते भर रोती हुई आई हैं, और बार 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 मुड़ मुड़ के पीछे उसी पेड़ की तरफ देख रही थी। और इतने जहाँ यहाँ सबका ध्यान पूजा और शशि की तरफ है, वहाँ ये जो जिया है ये छत पे चढ़ जाती है, और छत पर चढ़कर ये जो छत के ऊपर भी एक चूल्हा वूल्हा रख देते हैं ना, इसे गांव में बनाकर चूल्हा रख देते हैं, और एक वो रख देते हैं इस पे दूध गर्म होता रहता है, उसको बुरी तरीके से तोड़ देती है, मतलब चूरा चूरा कर देती है, और वो मिट्टी खारी होती है उसकी, मतलब चूल्हे को तोड़कर और पूरी मिट्टी, हाथ भर भर के मिट्टी खारी होती है। अब ये सब देख रही होती है, उनके जस्ट बगल वाला जो घर है उनके छत पर खड़े होकर, उनकी कोई अगल बगल में तो आप जानते हैं सब चाची ताई लगती हैं, एक चाची जी खड़े होकर ऊपर से देख रही होती हैं, और एकदम से आवाज़ लगाती है, करे शशि की मम्मी देख, ये तुम्हारी ये जो भतीजी है जिया, ये क्या कर रही है ऊपर। तो ये एकदम ऊपर आ, इसकी मम्मी और इसकी चाची ऊपर भगी भगी जाती हैं, बोले इसकी तबीयत तो खराब है, ऐसा ना कुछ ऊटपटांग कुछ कर रही हो। और ये सीढ़ियों की तरफ चढ़ी हुई जा रही है, और एकदम से आवाज़ लगा रही है कि क्या हुआ जिया, क्या हुआ, क्या कर रही है तू। और ये जिया आ जाती है बिल्कुल छत के कोने पे, मतलब जो रेलिंग लगी होती है उस पे आ जाती है, और इसको बोलते हैं कि एक काम कर तू नीचे आ, ऊपर क्या कर रही है तू। तो वो बगल वाली चाची जी बता रही हैं कि अरे देख किसने पूरे चूल्हा वूल्हा तोड़ दिया है, और इसका मुंह देख इसने कितनी मिट्टी भर रखी है मुँह में। तो इसकी मम्मी इसको डांटती है और बोलती है कि क्या कर रही है तू, नीचे चल। तो बोले, एक काम करो, जो जिया है वो बोलती है कि तुम चले जाओ सीढ़ी से नीचे, मैं यहीं से कूद जाऊँगी। तो इसकी चाची बोलती है, लड़की पागल हो गई है कि यहाँ से कूद जाएगी, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। बोला, नहीं तुम लोग गिरोगे ना यहाँ से तो हाथ पैर टूटेंगे, मैं यहाँ से कूदूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा और मैं आ जाऊँगी। तो इसकी जो चाची हैं इसको बातों में लगा रही होती हैं, इतनी से इसकी पीछे मम्मी जाके पकड़ लेती है, बोला तेरा दिमाग खराब है, कूद जाएगी क्या होगा, और उसको नीचे लेके आती है। और देख रही कि ये लड़की अब थोड़ा सा आपे से बिल्कुल बाहर हो रही है, अब इसे ऐसे पकड़ के लेके आ रही है जैसे छोटे बच्चे को घसीटते हुए लाते हैं ना, और छोटा बच्चा नहीं आना चाहता है, ये ऐसी कर रही है, दो लोगों से भी ये नीचे नहीं आ रही है। तो इसकी मम्मी आवाज़ लगाती है अपने हस्बैंड को, मतलब इसके पापा को, और वो इसे पकड़ के नीचे लेके आते हैं। और जैसे इसके पापा इसको हाथ लगाते हैं, ये बहुत बुरी तरीके से चीखने लग जाती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नहीं बोल रही है, कोई और बोल रहा है इसके अंदर से, क्योंकि अपने पापा के ऊपर कोई चीखेगा क्यों। तो इसकी मम्मी बहुत वो करके, अरे मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी दोनों बेटियों को क्या हो गया, एक को बुखार हो रखा है बुरी तरीके से, और एक केस के साथ क्या हो रहा है। तो जब ही एकदम से जिया चीख के पड़ती है, बोले क्या मेरी बेटी बेटी कर रही है तू, हैं बेटी को कहीं भी छोड़ देती है, जब तो कुछ पता नहीं होता तुझे, और जब इसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, जब बैठ के रोना तू,
और अब जब इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी ना, जब पता चलेगा। अब ये देखते के साथ जैसे ही ऐसे बोलती है, अरे उस घर में सबके बिल्कुल एकदम होश उड़ जाते हैं कि जिया जैसी लड़की जो बहुत शांत और इज्जत से बात करने वाली, वो इतने बुरी तरीके से चीख रही है और ये क्या बोल रही है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी और बेटी का ध्यान नहीं दिया। ये तुरंत बोलते हैं कि भाई कुछ भी करो, किसी को ही बुलाओ। और ये तो इन दोनों के ऊपर बहुत दिक्कत हो रखी है, लग रहा है वो चुड़ैल जो तुम बता रहे थे वो उस पर हावी होगी इन दोनों पे। तो अब की बार किसी दूसरे तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है, तांत्रिक मतलब ओझा फकीर आप कुछ भी कह लो, उनको बुलाया जाता है। वो आते हैं, आते ही देखते हैं इसकी कि क्या कर रही हैं दोनों बेटियां। पूजा तो बहुत शांत लेटी हुई है, उसे बुखार हो रखा है, बुखार में सिर्फ तड़प रही है और कांप रही है वो लड़की, और बोल रही है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। और यहाँ जिया जो है, अगर इसके पास कोई लेडी आती है, मतलब इसकी चाची है, इसकी मम्मी है, दूसरी चाची है, वो आ रही है पास में, तो उनके ऊपर चिल्ला रही है कि तुम ध्यान नहीं देते हो लड़कियों का, और तुम कुछ हो जाएगा जब, या क्या करोगे तुम, ये है वो है, और अब तो ये मेरे साथ जाएगी जब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है। और अगर कोई आदमी इनके पास आता है, इसके पास, तो जो चाहे इसके पापा हों, चाहे चाचा हों, चाहे दूसरे चाचा हों, ये बहुत बुरी तरीके से चीखती है और बोले दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ मुझसे। अब वो बाबा देख के समझ जाता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई हावी है। और जब ये वो अंदर से कुछ निकालता है, किसी चीज़ को जलाता है, और जलाने के बाद दो चार मंत्र अंदर अंदर मन में पड़ता है, और पहले बहुत आराम से पूछता है कि बता तू कौन है। अब अगर नॉर्मल कंडीशन में होती है लड़की तो बोलती ना मैं जिया हूँ। अब क्योंकि ये बाबा भी आदमी तो है, ये एकदम उस पर दहाड़ के पड़ती है, तो क्या करेगा जान के, अब क्या लेने आया यहाँ से, चला जा तांत्रिक नहीं तो तू भी मारा जाएगा। तो वो बाबा बोलते हैं ऐसा है, मैं मारा जाऊँगा ठीक है, लेकिन बता तू है कौन और तुझे चाहिए क्या, और क्यों परेशान कर रही इन बच्चियों को। परेशान मैं नहीं कर रही, परेशान है ये अपने कर्मों की वजह से। तो बोले क्या कर्म कर दिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, 14-15 साल की लड़की है ये, क्या इसने क्या ऐसा गुनाह कर दिया तेरा, और तू है कौन ये बता। बोलो मैं वही हूँ जिसके डर से तुम लोग दोपहर को भी, रात को तो क्या, दोपहर को भी उस बाग में जाने से डरते हो, अपना नाम नहीं बताती है। तो वो बाबा बोलता है कि तू है तो इनको क्यों परेशान कर रही है, तू ये बता। बोलो मैं इनके माँ बाप को ये बताना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों का ख्याल कैसे नहीं कैसे रखा जाता है, ऐसी छोड़ दिया अपनी बच्चियों को, अगर इनके साथ कुछ हो जाता जैसा मेरे साथ हुआ था तो फिर क्या करते। और चीख चीख के बात कर रही है एकदम। तो बोले तेरे साथ क्या हुआ था ऐसा जो तू नहीं चाहती कि इनके साथ हो, तो इनके साथ अगर नहीं हो तो इनको इतना बुरा तड़पा क्यों रही है। बोले जब ही तो इन्हें सबक मिलेगा। बोले क्या हुआ था तेरे साथ, किसी को तो बता। तो जब वो बताती है कि इसी गाँव में बहुत पहले की बात है कि मुझे 4-5 लड़कों ने मिलकर घेर लिया था, मैं ऐसी जा रही थी अपने खेतों की तरफ, और मेरे साथ बहुत बदसलूकी करके और मुझे मार दिया था वहीं, और मेरे माँ बाप को भी मेरी लाश तक नहीं मिली थी, और जब से मैं वहीं भटकती हूँ, और अगर वहाँ कोई लड़की अकेले आ गई तो मैं उसका वो बुरा हाल करती हूँ ताकि वो जिंदगी भर ये याद रखे और कभी अकेले ना जाए उस तरफ, और अगर कोई आदमी आ गया तो मैं नहीं छोड़ती उसे फिर। ये सब बातों में निकल के आता है जब वो उस तांत्रिक से बात कर रही है। तो ये तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि देख मैं समझ रहा हूँ कि तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन तू अब इसके साथ गलत क्यों कर रही है, अब अगर ठीक है, अब ये बच्चे माफ़ी मांग रहे हैं, इनके माँ बाप माफ़ी मांग रहे हैं, काम कर अभी नहीं जाएंगे। और बात करते करते ये लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद ये तांत्रिक बाबा अपनी कुछ वो पूरी करते हैं जो कुछ भी इनकी प्रक्रिया होती होगी, और इनके माँ बाप को बोलते हैं काम करो, उसी जगह जाओ सबके सब, और जाके माफ़ी मांग के आना। अब जैसे ही ये बोलते ना उसी जगह जाओ और माफ़ी मांग के आना, वहीं ये पड़ी हुई लड़की जो पूजा थी, अब ये चीखने चिल्लाने लगती है क्या करोगे वहाँ जाकर, क्या करोगे। अब ये तांत्रिक बाबा उसके तरफ बोला तू क्यों पीछा नहीं छोड़ रही है इनका, इन बच्चों का पीछा छोड़ और जा, जहाँ से आई है तो वहाँ चली जा, मैं तुझे कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ तुझे भस्म कर दूंगा। अब ये उस तांत्रिक बाबा को ऐसा रूप दिखाती है अपना उस टाइम कि तांत्रिक की सांस निकाल देती है। तांत्रिक बुरी तरीके से डर तो जाता है, लेकिन उसे पता होता है इसका इलाज क्या है। तो बस जाते आते वो यही बोलती है कि याद रखना अब से किसी लड़की को अकेले मत जाने देना वहाँ, नहीं तो तुम रोओगे जैसे मेरे माँ बाप रोए थे। आज जाते जाते ये लड़की पूजा बेहोश हो जाती है। अब ये बाबा तुरंत एक धागा वागा सा लेकर इन दोनों लड़कियों के हाथ में बांध देते हैं ताकि वो दोबारा से इनके ऊपर ना सके, और ऐसा ही होता भी है कि वो दोबारा से नहीं आती इनके ऊपर।
ये लोग हाथ जोड़कर ऊपर वाले से और जिसे ये लोग सब चुड़ैल बोलते हैं गांव की, उससे माफ़ी मांगते हैं कि ये हमारी गलती थी कि हमने अपने बच्चों को वहां जाने दिया। और सब बहुत दुखी भी महसूस कर रहे हैं। आज तक दरअसल किसी के बारे में पता नहीं चला था कि ये इसके साथ साथ ऐसा हुआ था। और ये लोग भगवान का शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं और उन बाबा के पैर वैर छूते हैं कि बाबा आज आपने हमें बचा लिया। लेकिन फिर भी जो इसकी मम्मी है पूजा और इसकी जिया की, अब ये एक मिनट भी वहाँ रुकना नहीं चाहती हैं और इन्हें लगता है कि जो अभी थोड़ी बहुत देर बाद ये कभी इस पे कभी इस पे आ रही है, ऐसा ना हो मेरी बच्चियों को बाद में परेशान करे। और तुरंत से अपने हस्बैंड से बोल के टिकट कराती है अपने जहाँ से आई हैं, मतलब ये गुजरात में रहती हैं आजकल, वैसे रहने वाले तो यहीं के हैं, तो अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुरंत कल की टिकट कराओ और हम इन्हें वहीं दिखाएंगे जहाँ ये किसी बाबा बाबा को मानती हैं, मतलब किसी संत को मानती हैं। अब गुजरात के एक बहुत फेमस संत हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये वहाँ जाकर उनको दिखाती हैं और वहाँ जाकर इस बात की पुष्टि भी होती है कि सच में ऐसा ऐसा हुआ था और अब वो इसके पीछे नहीं है। और ये अपनी कुछ पूजा वूजा करवाते हैं अपने घर में जिससे कि आगे कभी इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी हमारी यहाँ तक की कहानी, जिससे ये पता चलता कि माँ बाप अगर मना कर रहे हैं ना, माँ बाप, गाँव वाले, बड़े बुजुर्ग, कि उस एरिया में मत जाओ कि वहाँ पर कुछ ऐसा है, कुछ होता ना सुपर नेचुरल पावर्स हैं, तो यार उधर ना ही जाओ जब कह रहे हैं घर वाले, तो ऐसा ना हो कुछ जाओ किसी और चीज़ में और कोई आफत मोल ले लो अपने, जैसे कि देखिए इस कहानी में हुआ। तो आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे आप लोगों के लिए ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियाँ लाने का। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ फेसबुक, इंस्टा और ईमेल पर अपनी कहानी आप मुझे भेज सकते हैं और मैं आपकी कहानी ज़रूर सब तक लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और किसी सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। ओम नमः शिवाय। जय श्री बालाजी। हर हर महादेव।